जय हिंद डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 9.2। तो इस बुक में वो एक्सरसाइज 8.2 है। तो दोनों बुक्स में भी सेम क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो सॉल्यूशन भी तो सेम होगी ना। अच्छा, तो 9.1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। 9.1 में मैंने परसेंटेज रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ठीक है। तो वन नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड ए नंबर 30% ऑफ 700, बी नंबर 82% ऑफ 1500। तो वैसे ये सी डी भी है, सी नंबर 103% ऑफ 2000, डी नंबर 95% ऑफ 95, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ देखिए 700 की 30% क्या है, सी नंबर देखिए 2000 की 103% क्या है। तो ये बहुत बहुत ईजी है, वन नंबर और टू नंबर सेम है, टू नंबर भी सेम ऐसे ही कह रही है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग 25% ऑफ रुपीज 300। यहाँ देखिए कोई यूनिट विनिट नहीं है, यानी कि रुपीज़, मीटर, लीटर ऐसे कुछ नहीं है। टू नंबर में रुपीज़ है, इसमें मीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, लीटर है, ग्राम है, वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, जो भी है लेकिन सॉल्यूशन की तरीका सेम है। वन का ये भाई 30% ऑफ 700, तो देखिए भाई 30% ऑफ 700 इज इक्वल टू, 30% मतलब क्या है, 30 डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, ऑफ की जगह इंटू दे देना, और यहाँ क्या है 700 है, ठीक है। अब देखिए 20 से 20 काट लेना, तो इज इक्वल टू 3 7 21 है, और एक जीरो है तो जीरो लास्ट में दे देना, तो 210 है। तो मतलब 700 की 30% कितने हैं, 210 है। बहुत सिंपल है, बी सी डी और टू का ए से लेकर एच तक यहाँ मैं सोल्यूशन दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, मिस्टर शैन बॉट 2 किलोग्राम ऑफ पल्सेस एंड यूज 30% ऑफ इट फॉर मेकिंग स्वीट्स, फाइंड द वेट ऑफ द पल्सेस यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। तो मिस्टर शैन ने 2 किलोग्राम पल्स खरीद की। अच्छा, ये जो 2 किलोग्राम है इसकी 30% स्वीट्स बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए यूज की, तो भाई कितनी किलोग्राम या फिर ग्राम में, यानी कि कितनी क्वांटिटी की पल्सेस स्वीट्स बनाने के लिए यूज हुआ। तो ये जो 2 किलोग्राम है ना, इसकी 30% पहले निकाल लीजिए। तो देखिए भाई 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 × 1000 ग्राम। आपको पता है भाई 1000 ग्राम से 1 किलोग्राम होते हैं, तो देखिए 2 किलोग्राम में 2 × 1000 2000 ग्राम होंगे, ठीक है। पहले 2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। अच्छा, क्यों ग्राम में, क्योंकि देखिए 2 है और 2 का 30% वो डेसिमल में तो आएगा, तो 1 से भी बहुत कम होगा, ठीक है। अब देखिए 30% ऑफ 2000 ग्राम, तो 30% मतलब 30/100 × 2000, तो 20 से यहाँ का 20 भाई, यहाँ से 10 और यहाँ से 10 काटना। अब देखिए 3 × 2 = 6, और ये जो 20 है लास्ट में लगाना, तो 600 है, 600 ग्राम। तो देयरफॉर वेट ऑफ द पल्सेस यूज्ड इज इक्वल टू 600 ग्राम, 600 ग्राम। तो मिस्टर सेन ने 600 ग्राम, यानी कि ये जो 2 किलोग्राम पल्सेस थे, इनमें से 600 ग्राम सूट्स बनाने के लिए यूज किया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदुलाल्स मंथली इनकम इज ₹24,000, शी पेज 20% ऑफ दिस इनकम एज हॉस्टल फीस, फाइंड द अमाउंट शी पेज एज हॉस्टल फीस। तो मृदुलाल का मंथली सैलरी ₹24,000 है, और ये जो ₹24,000 है, इसका 20% हॉस्टल फीस के लिए खर्चा करता है, करती है, ठीक है। तो हॉस्टल फीस के लिए वो अमाउंट कितने होंगे, तो मतलब 24,000 के 20% निकाल लेना, ठीक है। मृदुलाल्स मंथली इनकम इज इक्वल टू ₹24,000, देयरफॉर अमाउंट ही पेज फॉर हॉस्टल फीस, तो डायरेक्ट ऐसे ही लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट, अमाउंट ही पेज फॉर हॉस्टल फीस इज इक्वल टू, ये जो 24,000 है इसकी तो 20% है ना, 20% किसका है, ये जो ₹24,000 है इसके, तो 20% ऑफ ₹24,000 इज इक्वल टू 20% मतलब 20/100 × ₹24,000। अब देखिए 20 है ना नीचे, तो 10 से 10, फिर यहाँ की 10 से ये 0 काटना, 2400 है, तो 2 × 2400 4800, तो ₹4,800। तो हॉस्टल फीस के लिए ₹4,800 खर्च करना। नेक्स्ट भाई 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, देयर आर 60 फ्रूट बास्केट्स इन अ शॉप, ईच बास्केट हैज 120 फ्रूट्स,
The percentage of mangoes in the shop is 50%. Find the number of mangoes in the shop. किसी एक दुकान में, shop मतलब दुकान, 60 फल की बक्स होते हैं, बास्केट्स होते हैं, ठीक है, और हर एक बास्केट में 120 फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और 50% इनमें से क्या होते हैं, आम होते हैं, मैंगोज होते हैं, तो टोटल कितने मैंगोज हैं, तो देखिए बास्केट कितने हैं, 60 हैं, अच्छा हर एक बास्केट में फ्रूट्स कितने हैं, 120 है, तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं, 16 to 120, तो ये जो 16 to 120 है इसका 50% निकल लेना, मतलब आधा होगा, तो देखिए नंबर ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 16 to 120, ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगोज इन द शॉप, तो इस शॉप में दुकान में मैंगोज कितने, आम कितने, तो 50% ऑफ ये है, मतलब 16 to 120, तो 50% मतलब 50 by 100, अब देखिए 100 में 2 0 है, तो यहाँ से 1 0 और 120 से 1 0 काट लेना, अब देखिए 16 to 12 into 5, तो 3600 होगा, तो इस शॉप में टोटल 3600 आम। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, इन क्लास ऑफ 75 स्टूडेंट्स 40% स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल एंड द रिमेनिंग लाइक क्रिकेट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ए नंबर फुटबॉल बी नंबर क्रिकेट, तो किसी एक क्लास में 75 बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, इनमें से 40% फुटबॉल पसंद करते हैं और बाकी जितने हैं इन सब ने क्रिकेट पसंद करते हैं, तो फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स पसंद करते हैं और क्रिकेट भी, तो बहुत सिंपल है, पहले देखिए 75 की 40% निकाल लीजिए, तो उतने स्टूडेंट्स फुटबॉल पसंद करने वाले होंगे, और इस फिगर को यानी कि 40% को 75 से माइनस कर देना, तो बाकी कितने क्रिकेट पसंद करने वालों की तादाद मिलेगी, भाई सोल्यूशन ऐसे ढंग से करना, देखिए परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल 40%, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू 100 - 40 60%, अच्छा ये परसेंटेज से भी निकाल सकते, मतलब 40% तो फुटबॉल पसंद करते हैं और बाकी सबका सब क्रिकेट, तो यहाँ ये इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी शॉर्टकट कर सकते हैं, और अगर ऐसी करें तो भी होगी, तो पहले फुटबॉल की परसेंटेज तो 40 दी गई है, आप क्रिकेट की परसेंटेज निकाल देना, तो फुटबॉल टोटल परसेंटेज 100 है, 100 में से 40 माइनस कर देना, तो क्या आएगा 60 आएगा, और वो 60 क्या है, क्रिकेट पसंद करने वालों की परसेंटेज है, तो अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक फुटबॉल, फुटबॉल 40%, तो 40% ऑफ 75 क्या है, 30 है, अब देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू कितने हैं, 60%, तो 60% ऑफ 75 यानी कि 45 है, तो 30 स्टूडेंट्स फुटबॉल पसंद करते हैं और 45 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए सर्वे वॉज कंडक्टेड अमंग 800 पीपल इन ए विलेज, द सर्वे रिजल्ट वॉज एज फॉलोज, 35% ऑफ द पीपल वेयर सेल्फ एम्प्लॉयड, 42% ऑफ दम वेयर फार्मर्स एंड द रिमेनिंग वेयर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और ऑफिसेस, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी, तो किसी एक शहर की 800 लोगों को सर्वे की गई है, अच्छा तो सर्वे में ये निकला कि 35% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, अच्छा 42% लोग फार्मर्स हैं, मतलब किसान हैं, और बाकी जितने हैं इन सब के सब किसी ना किसी फैक्टर्स या फिर ऑफिस में, ऑफिस के काम में है, एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो हर एक कैटेगरी में कितने कितने लोग एम्प्लॉयड है ये निकलना, तो टोटल तो 800 है, पहले 800 से 35% यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड कितने हैं निकल लेना, इसके बाद फिर 42% 800 का निकल लेना, मतलब ये क्या है, फार्मर्स है, किसान है, और बाकी जितने लोग रह जाएंगे ना वो सब तो एम्प्लॉयड होंगे किस में, फैक्ट्रीज या फिर ऑफिसेस में, तो यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ पीपल 800, नंबर ऑफ पीपल हु आर सेल्फ एम्प्लॉयड 35% ना, तो 35% निकाल देना 800 का, तो 280 होंगे ना, अच्छा देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु आर फार्मर्स, जो किसान है कितने 42%, तो 800 की 42% 336 है। नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड इन ऑफिस और फैक्ट्री, ऑफिस या फिर फैक्ट्री में कितने, तो टोटल तो 800 है, इनमें से 280 सेल्फ एम्प्लॉयड, अच्छा फार्मर्स 336, तो ये 280 और 336 दोनों को 800 से माइनस करना, तो फैक्ट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड है, फैक्ट्री या फिर ऑफिसेस में, वो हमें मिल जाएंगे, तो 800 माइनस 280 माइनस 336 इज इक्वल टू 184, तो 184 लोग फैक्ट्रीज या फिर ऑफिसेस में एम्प्लॉयड है,
नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिस्टर कुलकर्णी गॉट ₹75,000 एज अ बोनस फॉर दिवाली. ही इन्वेस्टेड 72% ऑफ दिस अमाउंट इन म्यूचुअल फंड. ही डोनेटेड ₹6,000 फॉर चैरिटी एंड ही स्पेंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑन दिवाली परचेज. फाइंड ए नंबर द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड, बी नंबर द परसेंटेज ऑफ द बोनस ही यूज्ड फॉर चैरिटी एंड दिवाली परचेज, सी नंबर द अमाउंट ही स्पेंट ऑन द दिवाली परचेज. तो मिस्टर कुलकर्णी को ₹75,000 दिवाली बोनस के तौर पर मिली. अच्छा, इनमें से 72% इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगा दी. अच्छा, ₹6,000 किसी चैरिटी फंड में डोनेट कर दिया और बाकी जितने बचे हैं इन सब दिवाली परचेज के लिए रखा, मतलब दिवाली शॉपिंग के लिए रखा. तो आपको निकलना होगा अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स में कितनी इन्वेस्ट होगा. दूसरा नंबर, दिवाली और चैरिटी फंड में अलग अलग सी कितने परसेंट अमाउंट खर्चा हुआ, और सी नंबर कितने परसेंट दिवाली परचेज के लिए रखा गया यानी कि मुहैया किया गया. तो सिंपल है, 75% 75,000 का 72% निकाल लेना. पहले ये तो निकाल लेना क्योंकि ये नंबर में है इन्वेस्टेड द अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड में कितनी इन्वेस्ट हुआ वो निकलेगा, वो मिलेगा. तो ए नंबर देखिए, अमाउंट ही इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड 72% ऑफ ₹75,000, तो 54,000 है. ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ही स्पेंट ऑन चैरिटी. तो चैरिटी में टोटल तो ₹6,000 लगाया ना इन्होंने, तो ₹6,000 ये 75,000 का कितने परसेंट है. तो देखिए 6,000 × 75,000 × 100, तो भाई यहाँ ₹6,000 है ना, ये तो चैरिटी फंड के लिए है, ₹6 है. अच्छा, तो ₹6 कितने 75,000 में. ठीक है, तो 75,000 में अगर ₹6 है तो 100 में क्या होगा, वही तो परसेंटेज है. तो 6,000 है, जैसा नहीं ₹6,000. अच्छा, तो 6,000 × 75,000 × 100, तो 3 0 है, यहाँ से 2 0 और यहाँ से 1 0 काटना, तो सिर्फ, तो अब देखिए 75,8,600. ठीक है, तो 8% हुआ, तो चैरिटी फंड में 8% रुपया खर्चा हुआ. नेक्स्ट देखिए, अमाउंट ऑफ मनी ही स्पेंड ऑन दिवाली, तो दिवाली की परसेंटेज निकलना, तो लेकिन दिवाली के लिए जो अमाउंट है वो तो पहले निकलना पड़ेगा ना. तो टोटल तो 75,000 है और इनमें से 54,000 क्या है म्यूचुअल फंड के लिए, और 6,000 क्या है ये चैरिटी फंड के लिए. तो 54,000 और 6,000 इन दोनों 75,000 से माइनस करना, तो जो अमाउंट आएगा वो दिवाली के परचेज के लिए होगा. ठीक है, मतलब दिवाली परचेज के लिए, शॉपिंग के लिए होगा. तो कितने आया 15,000, 15,000 75,000 से माइनस करना कितने 6,000 प्लस 54,000 को, तो 15,000 मिलेगी. तो देयरफॉर अब ये जो 15,000 है ये कितने परसेंट है, मतलब 75,000 में 15,000 है, तो 100 में क्या होगा, तो 20% आया. ठीक है, अब सी नंबर क्वेश्चन है, अमाउंट ही स्पेंट ऑन दिवाली परचेज कितने हैं, ये तो ऑलरेडी निकल गया ना, तो 15,000 सिंपल है. अब नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ ए नंबर 6% ऑफ इट इज दैट, तो पूरा क्वांटिटी निकालना. तो ए नंबर में दिया है 6% ऑफ इट, मतलब 6% टाटे है, तो होल अमाउंट का जो 6% है वो टाटे है, तो होल अमाउंट क्या होगा. तो देखिए हम इन्हीं मेथड में जा सकते हैं, अगर 6% टाटे है तो 100% क्या होगा. तो देखिए 6% अगर टाटे है तो 1% क्या है, ये यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं. तो 6 से टाटे को डिवाइड देना, फिर जो रिजल्ट आएगा वो 100 से इंटू करना, तो 100% मतलब होल अमाउंट यानी कि पूरा अमाउंट मिल जाएगा. 6% ऑफ इट इज टाटे, तो ऐसे ही आंसर कर सकते हैं, इफ 6% इज इक्वल टू 30 देन 1% इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 6 से यूनिटरी मेथड के लिए, यूनिटरी मेथड की तरह. तो 6 × 5 = 35 है, तो देयरफॉर 100% इज इक्वल टू, इस 5 को 100 से इंटू करना, तो 5 × 100 इज इक्वल टू 500, सिंपल है. तो होल अमाउंट क्या है 500 है, तो देयरफॉर द होल अमाउंट इज 500. तो इस तरह बाकी सब सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहां सोल्यूशन दे दूंगा. ठीक है,
मैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंजलि सेव्ड रुपीज 1200 एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक, इफ दिस अमाउंट इज 2% ऑफ हर मंथली सैलरी, फाइंड हर मंथली सैलरी। तो अंजलि हर महीना में 1200 रुपया सेव करके बैंक में जमा रखती है, और वो जो 1200 रुपया है अपनी महीने की 2% है, तो पूरा महीने क्या है? तो देखिए, अगर 2% 1200 रुपया है तो 100% क्या होगा? 1200 को 2 से डिवाइड करना और 100 सेंड करना। देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम्स हमने अभी अभी सॉल्व किए थे 9 नंबर में, ठीक है। यहाँ 6 क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स सॉल्व करें। इफ 2% इज इक्वल टू रुपीज 1200, देन 1% इज इक्वल टू रुपीज 1200 बाय 2 इज इक्वल, देन 100% इज इक्वल टू 1200 बाय 2 इंटू 100, ठीक है। तो देखिए भाई, इफ व्हेन 2% व्हेन, या फिर इफ लिख सकते हैं, व्हेन 2% इज इक्वल टू रुपीज 1200 देन 1% इज इक्वल टू रुपीज 1200 बाय 2 इज इक्वल टू रुपीज 600, 1200 बाई 2 इज इक्वल टू 600, देन 100% इज इक्वल टू रुपीज 6000 को जस्ट 100 सेंट करना। यूनिटरी मेथड की तरह है तो 60000 होगा, तो हर मंथली सैलरी इज रुपीज 60000, तो अंजलि की मंथली सैलरी 60000 रुपया है। बाय नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रियंका यूजेस 225 ग्राम ऑफ मैदा फ्रॉम ए पैकेट टू बेक ए केक, इफ दिस क्वांटिटी इज 20% ऑफ द मैदा इन द पैकेट, देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मैदा इन द पैकेट। तो अंजलि एक पैकेट मैदा में से 225 ग्राम केक बनाने के लिए यूज करी, और वो 225 ग्राम टोटल जो मैदा है पैकेट में इसकी 20% था, तो आप टोटल पैकेट में कितनी ग्राम मैदा है? तो अगर ये 20% 225 है तो 100% क्या होगा? 225 को 20 से डिवाइड करना और 100 सेंट कर देना, बस 100% यानी कि पूरा पैकेट में कितने मैदा है, कितने ग्राम वो मिल जाएगा। तो देखिए, व्हेन 20% इज इक्वल टू 225, 20% है ना ये 225 ग्राम, अच्छा ग्राम यूनिट में लिखना, देन 1% इज इक्वल टू 225 ग्राम बाई 20, अच्छा इसको आप काट पुट मत करिए, नेक्स्ट लाइन में काट सकते हैं, देन फिर 100% इज इक्वल टू, अच्छा 100% इज इक्वल टू जस्ट इसको 100 सेंट करना, तो 1125 1125 ग्राम है, तो देयरफॉर द टोटल क्वांटिटी वाज 1125 ग्राम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, इन अ फ्लैट 60% ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय बेडरूम्स, इफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द बेडरूम्स इज 720 स्क्वायर फीट, द टोटल एरिया ऑफ द फ्लैट, किसी एक फ्लैट में 60% एरिया बेडरूम के लिए है और वो 720 स्क्वायर फीट है, तो टोटल फ्लैट में कितनी एरिया है? तो अगर 60% 720 है तो 100% क्या होगा? सेम 9 10 11 की तरह है। तो देखिए, इफ 60% एरिया इज इक्वल टू 720 स्क्वायर फीट, देन 1% इज इक्वल टू 720 बाई 60, अच्छा इस साइड की जो अमाउंट है लेफ्ट साइड की अमाउंट से डिवाइड देना, ये तो यूनिटरी मेथड की नियम है, तो 12 स्क्वायर फीट आ रही है, 720 को 60 से डिवाइड दी जाए तो 12 आएगी, 0 से 0 कट जाएगी तो 6 12 प्लस 72, ठीक है। अब देयर फोर या फिर देन 100% इज इक्वल टू, तो 100 या 12 है ना, तो 12 के साथ 100 इंटू करना, तो 1200 होगा, मतलब 1200 स्क्वायर फीट है इस फ्लैट में टोटल एरिया, तो देयर फोर टोटल एरिया ऑफ द फ्लैट इज 1200 स्क्वायर फीट। अब नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, इन एन इलेक्शन फॉर सिलेक्टिंग द स्कूल कैप्टन ओमित गॉट 58% ऑफ द टोटल वोट्स दैट वर कास्ट, इफ ओमित गॉट 725 वोट्स फाइंड द टोटल वोट्स कास्ट। किसी एक स्कूल में कैप्टन सिलेक्शन करने के लिए इलेक्शन हुआ, बूटा बूटी हुआ, इसमें ओमित को 58% वोट मिली और वो 58% 725 वोट्स हैं, जितने वोट टोटल कास्ट हुई इसकी 58% है और वो 725 है, तो टोटल कितने वोट कास्ट हुए, मतलब कितने वोट्स टोटल स्टूडेंट्स ने दी है, सबके सब तो अमित को नहीं मिली ना, अमित को सिर्फ 58% मिली, अच्छा तो अगर 58% 725 है तो 100% क्या होगा? तो वही 11-12 वाला फंडा है, इसको यूज करिए, 58% इज इक्वल टू 725 वोट्स, देन 1% इज इक्वल टू 725 बाई 58, देन 100% इज इक्वल टू 725 बाई 58 इंटू 100, तो 1250 वोट्स हैं, 1250 वोट्स टोटल कास्ट हुआ, तो देयरफॉर टोटल वोट कास्ट वाज 1250।
नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज इंटू परसेंटेजेस। तो इन सब रेशियोज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो बहुत सिंपल है। तो भाई 14 का यह नंबर 3:7 है, ठीक है, 3:7 है। अच्छा आप देखिए टोटल क्या है यहाँ, 3+7 10 है, 3+7=10 है। ये पूरा जो अमाउंट है वो 10 है, और इसकी 3 भाग और 7 भाग अलग अलग है, और वो लास्ट फॉर्म में रेशियो है, ठीक है। एक्चुअली पूरा कितने हैं ये हमें पता नहीं, हो सकता है ये 3:7 भी पूरा अमाउंट भी हो सकता है, ठीक है, जो अपने आप लास्ट फॉर्म में है, क्योंकि 3 और 7 को फर्दर कैंसिल नहीं की जा सकती। और ये भी हो सकता है कि इसके बड़ा अमाउंट भी हो सकते हैं, ये जस्ट एक स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा कुछ भी है लेकिन हम अलग अलग रेशियो निकालेंगे, टोटल क्या है 7 आया। तो ये जो भाग है 3:7 है ना, ये जो भाग है ये 3 भाग है, मतलब 10 भाग में से 3 है, और ये 10 भाग में से 7 है। तो देयरफॉर आप देखिए 3/10 × 100, तो देखिए 10 × 10 = 100, 3 × 10 = 30 है, 30%। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है, इस 3+7 = 10, मतलब पूरा 10 है, 10 में 3 है, तो 100 में 30 है, तो मतलब 30% है। अच्छा एंड फिर इसके केस में क्या हो रही है, ये भाई 7 है ना, 7/3+7 यानी कि 10 है, इसके तरह 10 है, इंटू 100 है, ठीक है। तो इज इक्वल टू 7/3+7 = 10 है, 10 × 100, तो 7 × 10 = 100, और 7 × 10 = 70%, ठीक है। तो ऐसे बाकी सब यहाँ निकाल सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा आपको। अब भाई बी नंबर देखिए 1:9, तो 1/1+9 = 10 है, इंटू 100 है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से इंटू करना, तो 10% आया। और 9 जो है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग परसेंटेज क्या है, 9/1+10, तो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा भाई, तो इन रेशियोज में जो 2 parts हैं, इन दोनों को ऐड करना, इन दोनों के साम होगा, ठीक है। तो 1+9 = 10 है, अच्छा इंटू 100 है, तो 90% है। वैसे ही सी नंबर देखिए 12:13, तो टोटल 25 है, तो 12/25 इसकी कितने परसेंट है, तो 25 × 4 = 100, तो 4×12 = 48। और वैसे ही 13/25 × 100, तो 25 × 4 = 100, 4×13 = 52%, ठीक। अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए 3:5:2, तो यहाँ 3 है, अच्छा तो तीनों को ऐड करना, तो 3 के लिए देखिए 3/3+5+2 = 10 है, इंटू 100, तो 30%, ये 5 है, तो टोटल 10 है, 10 में 5 है तो 50%, ये 2 है, 10 में 2 है तो 20%, सिंपल है। अब नेक्स्ट भाई 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए क्लास इज 5:3, एंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दैट क्लास। तो किसी एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स की रेशियो 5:3 है, तो बॉयज कितने हैं, बॉयज की परसेंटेज और गर्ल्स की परसेंटेज कितने कितने हैं ये निकलना। 14 नंबर जैसा हमने करी थी वैसा ही, देखिए रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 5:3 है, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, तो बॉयज की करस्पेंडिंग रेशियो 5 है, और टोटल 5+3 = 8 है, इंटू 100 है, तो 62.5% है। देखिए ये होल नंबर में नहीं आती, डेसिमल में आ जाती है, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल, अच्छा टोटल तो 100 है, 100 में से 62.5 माइनस कर देना, बस सिंपल है, 37.5% गर्ल ये मिलेगी, ठीक है। अच्छा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग 3 है ना, तो 3/8 भी, तो इसके तरह इसकी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं, मतलब गर्ल्स की, गर्ल्स कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी है 3 है, तो 3/8 × 100, तो 37.5% मिले। नेक्स्ट 16 नंबर देखिए, द रेशियो ऑफ रेड स्टोन्स टू व्हाइट स्टोन्स इन ए नेकलेस इज 11:2, फाइव परसेंटेज ऑफ रेड स्टोन्स एंड व्हाइट स्टोन्स इन द नेकलेस। तो किसी एक नेकलेस में व्हाइट रेड स्टोन और व्हाइट स्टोन, लाल पत्थर और सफ़ेद पत्थर की जो रेशियो है वो 11:4 है। अब हो रही है कैटेगरी की स्टोन की परसेंटेज कितने हैं, तो टोटल 11+15 है, 15 में रेड स्टोन 11 है, तो 11/15 × 100, और व्हाइट स्टोन 4/15 × 100, बस परसेंटेज मिल जाएगी। तो देखिए रेशियो रेड स्टोन्स टू व्हाइट स्टोन 11:4 है ना, अच्छा देयरफॉर परसेंटेज ऑफ रेड स्टोन 11/11+4 = 15 है, इंटू 100 है, तो 73.3%। एंड परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्टोन, तो सेकंड जो परसेंटेज है वो 100 से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट निकाल लिया रेशियो से। एंड परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्टोन 4/15,
15 कैसे 11 प्लस 4 इंटू 100 तो 26 कंप्लीट टू थर्ड पर्सन। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्राइस ऑफ योर सूट केस इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹3200 टू ₹3500, फाइंड परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सूट केस। तो किसी एक सूट केस की ओरिजिनल कीमत था ₹3200, अब बढ़ के ₹3500 हो गया, ठीक है। तो जो इंक्रीज हुआ प्राइस, इसकी परसेंटेज क्या है, मतलब व्हाट इज द इंक्रीज्ड, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज का परसेंटेज क्या है। तो देखिए ओरिजिनल प्राइस ₹3200, न्यू प्राइस इंक्रीज हुआ मतलब यह नई प्राइस बना ₹3500, तो प्राइस इंक्रीज्ड, कितने प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है, न्यू प्राइस से ओरिजिनल प्राइस माइनस करना क्योंकि न्यू प्राइस बढ़ा है, तो ₹300 होगा, ₹300 प्राइस बढ़ा। तो अब एक परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज, तो प्राइस इंक्रीज इंक्रीज की परसेंटेज क्या है, कितनी परसेंट प्राइस बढ़ी है, तो 300 टोटल 300 बाई ओरिजिनल प्राइस 3200। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन आपको आ सकती है कि यहाँ नीचे कौन सी अमाउंट होगा, 3200 या फिर 3500। तो हमेशा ओरिजिनल जो अमाउंट होगा ना इस पर परसेंटेज लगेगी, ठीक है, ओरिजिनल अमाउंट पर। तो ओरिजिनल अमाउंट 3200 है, तो इस पर कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 2020 गया, अब देखिए 300 को 32 से डिवाइड करना, तो 9.375 आएगा, ठीक है। तो इतने परसेंट प्राइस बढ़ा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, दी मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ मिस्टर राकेश्स हाउसिंग लोन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 9600 टू ₹8000, फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन द इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो राकेश का जो इंस्टॉलमेंट था, लोन इंस्टॉलमेंट था, वो पहले ₹9600 थे, अब कम होकर ₹8000 हुआ, ठीक है। कितने पहले कितने, ₹9600, अब क्या हुआ ₹8000, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो कम हो गया, घट गया, लेकिन कितनी, तो ये जो कम हुआ इसको डिक्रीज कहते हैं। तो डिक्रीज के परसेंटेज क्या हुआ भाई, ये जो कम हुआ कितने परसेंट कम हुआ, तो देखिए ओरिजिनल इंस्टॉलमेंट अमाउंट ₹9600, न्यू इंस्टॉलमेंट अमाउंट ₹8000, तो डिक्रीज ऑफ इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल में ज़्यादा था ना, तो आप न्यू जो अमाउंट है वो कम है, तो मतलब डिक्रीज हुआ। तो 9600 माइनस 800 इज़ इक्वल 1600, ₹1600 इंस्टॉलमेंट कम हो गया, अब डिक्रीज हुआ। तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट की जो डिक्रीज है इसकी परसेंटेज क्या है, तो 1600 बाई 9600 इंटू 100, तो 20 से 20 काट लेना ऊपर से, आप देखिए 16696, तो 600 को इंटू डिवाइड किया जाए तो 16.67% होगा, ठीक है, 16.67, तो 16.67% डिक्रीज हुआ, सिंपल है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज और इंक्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ चार केसेस हैं, इनमें से परसेंटेज, इनमें से इंक्रीज या फिर डिक्रीज की परसेंटेज निकालना। तो ए नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन क्लास वन वॉज 200 लास्ट ईयर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड दिस ईयर इज 235। तो किसी एक स्कूल की क्लास वन में पिछले बार 200 स्टूडेंट्स एनरोल हुआ, मतलब एडमिटेड हुआ, और इस बार 235 है, तो मतलब इंक्रीज हुआ, बढ़ा, 200 से 235 हुआ, तो बढ़ा ना, तो इसका परसेंटेज कितने है, सिंपल है, एनरोलमेंट इन लास्ट ईयर 200, एनरोलमेंट इन दिस ईयर 235, तो इंक्रीज इन एनरोलमेंट, तो एनरोलमेंट बढ़ा मतलब इंक्रीज हुआ, तो 235 माइनस 235, 35 स्टूडेंट्स बढ़ा। तो अब देखिए परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, तो इस ये तो इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज का परसेंटेज क्या है, तो 35 बाई 200 इंटू 100, तो 17 कंप्लीट हाफ है, 20 से 20 कटना, तो 2 से अगर 35 को डिवाइड किया जाए तो 217 34, 1 बचा तो 1/2 है, यानी कि साढ़ा है 17। नेक्स्ट बी नंबर देखिए, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेलिंग इन एन एग्जामिनेशन हैज कम डाउन फ्रॉम 15 to 9। तो किसी एक एग्जामिनेशन में, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में लास्ट साल में, लास्ट ईयर में 15 स्टूडेंट्स फेल किए और इस साल में 9 स्टूडेंट्स फेल किए, तो मतलब क्या हुआ, कैंडिडेट एग्जामिनेस के जो फेलिंग रेट है वो कम हो गया, पहले बार 15 था अब 9 हुआ, कम हुआ ना तो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज की परसेंटेज कितनी है। तो बी नंबर देखिए, नंबर ऑफ फेलिंग कैंडिडेट्स डिक्रीज्ड, डिक्रीज हुआ कितनी, पहले 15 था अब 9, तो 15 - 9 = 6 है, 6 कम हो, तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज 6 बाई 15 इंटू 100, टोटल तो 15 थे ना,
तो टोटल में देखिए ओरिजिनल जो अमाउंट है, ओरिजिनल जो फिगर है, इस पर परसेंटेज लगती है, ठीक है। तो ओरिजिनल फिगर 15 है तो 15 पर परसेंटेज लगेगा, ठीक है, तो 40% होगा, ठीक है। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए बेलून हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 120 क्यूबिक सेंटीमीटर टू 95 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो किसी एक बेलून की जो वॉल्यूम है वो पहले 120 क्यूबिक सेंटीमीटर थे, अब कम होके 95 क्यूबिक सेंटीमीटर में आया, तो कितने परसेंट कम? तो ऑब्वियसली यहाँ कम हो रही है, तो कितने परसेंट? तो भाई देखिए, डिक्रीज इन वॉल्यूम 120 क्यूबिक सेंटीमीटर माइनस 95 क्यूबिक सेंटीमीटर 25 क्यूबिक सेंटीमीटर, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर कम, तो देयर परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, डिक्रीज हुआ ना, तो कम हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, तो परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, तो ओरिजिनल क्या था 120, तो 120 पर परसेंटेज होगा, तो 25% टोटल कम हो, तो टोटल कम माइनस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल 120, 25 बाई 120 इंटू 100, तो 20 कंप्लीट 5/6% है। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 135 सेंटीमीटर टू 150 सेंटीमीटर। अच्छा, किसी एक रेक्टेंगल की लेंथ पहले 135 सेंटीमीटर था, अब 150 हुआ, तो मतलब बढ़ा, तो कितने परसेंट बढ़ा? तो देखिए, इंक्रीज, ये इंक्रीज है आई एन से, पहले मैंने गलती करके डिक्रीज दे दिया था, तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 150 अब हुआ, पहले 135 था, तो मतलब इंक्रीज हुआ 15 सेंटीमीटर, तो परसेंटेज ऑफ इंक्रीज 15 बढ़ा, तो कितने में बढ़ा टोटल? पहले कितने थे 135, तो 135 में काउंट करना, 150 में नहीं, ये ओरिजिनल है, पहले ये था, तो 15/135/100, तो 11 कंप्लीट 1/9%, तो इतने परसेंट इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन ओवर हेड टैंक कंटेन 750 लीटर ऑफ वाटर, ड्यू टू लीकेज 120 लीटर ऑफ वाटर गॉट वेस्टेड, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ वाटर इन द टैंक। तो किसी एक टैंक में पहले 750 लीटर पानी थे, अच्छा एक छोटा सा छेद की वजह से, लीकेज की वजह से 120 लीटर घट गया, नष्ट हो गया, गिर गया, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ पानी का, यानी कि नष्ट हुआ? तो यहाँ साफ साफ दे रखा भाई, ड्यू टू लीकेज 120 लीटर ऑफ वाटर गॉट वेस्टेड, 120 लीटर गिर गया, वेस्टेड हो गया, तो इस फिगर की परसेंटेज इस फिगर पर लगाना, मतलब 750 में 120 है तो 100 में क्या होगा बस। तो सिंपली देखिए, डिक्रीज ऑफ वाटर इन द टैंक 120 लीटर, वेस्ट हुआ मतलब डिक्रीज हुआ, देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज इन वाटर, ठीक है, तो 120 और ओरिजिनल 750 था, तो 120 बाई 750 टू 100, ठीक है, तो 16% होगा, देखिए 10 से 10 काट गया, अब देखिए 25 3 75 25 4 100 गया 3 4 12, 4 × 4 16 16% हुआ, तो 16% पानी वास्टेड। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, बहुत लंबा एक एक्सरसाइज है, वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।